उसमें प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर अरेंज करना सीखा था हमने। इस वीडियो में हम आगे के चैप्टर समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, अरेंज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। आपको इन फॉलोइंग ऑर्डर को अरेंज करना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हम देखेंगे हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नंबर्स क्या दिए हमें, 4852। सेकेंड नंबर हमें क्या दे रखा है, 5080। थर्ड नंबर हमें क्या दे रखा है, 4172। और फोर्थ नंबर हमें क्या दे रखा है, 4295, ठीक है। ये आपको नंबर्स दे रखे हैं, इन्हें आपको किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में सब क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं, फिर उससे बड़ा क्लास में सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, यानी सबसे स्मॉलेस्ट से शुरू करके सबसे बिगेस्ट पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो अगर हम नंबर को कंपेयर करेंगे, सारे नंबर 1000 में है, ठीक है। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 4172, ठीक है। अब इससे बड़ा नंबर क्या दे रखा है हमें, 4295, है ना। अब इससे बड़ा क्या दे रखा है नंबर, 4852, ठीक है। और सबसे बड़ा नंबर क्या दिया है हमें, 5080, ठीक है, ये 5080। तो ये किस पर अरेंज करा हमने नंबर्स को, असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। सबसे बिगेस्ट नंबर लिखेंगे हम और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है इसमें, 5080, ठीक है। अब इससे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 4852, ठीक है। उससे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 4295। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 4172, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का बिल्कुल उल्टा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, नंबर्स क्या दे रखे हैं हमें, 7432, 7732, 7237, 2377, ठीक है। अब यहाँ पर हम नंबर कंपेयर करेंगे, पहले कितनी नंबर किसमें है, 7000 में है, और ये किसमें है, 2000 में, यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2377, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इससे बड़ा नंबर क्या है, 7237, ठीक है। तो ये किसमें है, 200 में, ठीक है। इसके आगे देखेंगे हम 7432, ठीक है। इससे बड़ा नंबर क्या है, 7732, ठीक है, ये 700 है। तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया हमारा। अब इसके बाद हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, हम पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है। तो इस समय सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा, 7732, ठीक है। उससे छोटा क्या है, 7432। उससे छोटा क्या है, 7237। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसमें, 2377, ठीक है। तो ये क्या सीखा हमने, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, राइट ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर आपको नंबर्स दे रखे हैं, आपको कंपेयर करके ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेस देन और ग्रेटर देन किसे कहते हैं, ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर वाला साइन किसका होता है, ये वाला साइन होता है हमारा ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन मतलब बड़ा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, आपको इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करके एक साइन का यूज करना है, ठीक है। हमेशा आगे वाले नंबर से हम पीछे वाले नंबर को कंपेयर करते हैं, ठीक है। हम कंपेयर करेंगे, अच्छा 10 बड़ा है कि 3 बड़ा है हमारा, 10 बड़ा है, तो किसका साइन लगेगा, ग्रेटर देन का, ठीक है। तो हम इसे क्या रीड करेंगे, 10 ग्रेटर देन 3, ठीक है। ऐसे हम सेकेंड साइन समझेंगे, सेकेंड साइन किसका है, लेस देन का, लेस देन का कंपेयर करेंगे हम, नंबर क्या दे रखे हैं हमें, 2 6, ठीक है। अब हम नंबर
तो हम किसका साइन लगाएंगे, लेस देन का। तो हम इसे लिख क्या करेंगे, टू लेस देन सिक्स, ठीक है। थर्ड हम लिखेंगे किसका साइन दिया था हमने, इक्वल टू का, ठीक है। इक्वल टू मतलब इक्वल बराबर। अब यहाँ पे दोनों नंबर देखेंगे, दोनों नंबर सेम ही है, यहाँ पे भी फोर है और यहाँ पे भी फोर है, तो हम किसका साइन लगाएंगे, इक्वल टू का, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पे अरेंज करेंगे, फर्स्ट देखेंगे क्या नंबर दे रखे हैं हमें, 7530, ठीक है। और सेकंड नंबर क्या दे रखा हमें, 7035, ठीक है। अब दोनों नंबर को कंपेयर करना, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है हमारा, 7530, तो हम इसका साइन लगाएंगे ग्रेटर देन का, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख करेंगे, 7530 ग्रेटर देन 7035, ठीक है। ऐसे हम सेकेंड देखेंगे, सेकेंड हमें नंबर क्या दे रखे हैं, 2517, ठीक है। और सेकेंड नंबर क्या दे रखा है हमें, 5712। नंबर कंपेयर करेंगे हमेशा फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो हम नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 5000 बड़ा है हमारा, तो हम इसका साइन लगाएंगे लेस देन का, ठीक है। तो हम इसे देखिए क्या करेंगे, 2570 लेस देन 5712, ठीक है। ऐसे हम थर्ड देखेंगे, दोनों नंबर कंपेयर करेंगे, बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 2694, ठीक है। तो हम किसका साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन का। फोर्थ हम देखेंगे, फोर्थ में हमें दोनों साइड सेम ही नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे भी 1290 दिया है, यहाँ पे भी 1290 दिया है, तो हम किसका साइन यूज करेंगे, इक्वल टू का, ठीक है। फिफ्थ हम देखेंगे, नंबर हमें क्या दे रखे हैं, 5467 4765। अभी दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है हमारा, ये वाला नंबर बड़ा है, तो हम किसका साइन लगा रहे हैं, ग्रेटर देन का, ठीक है। लास्ट हम देखेंगे, नंबर हमें क्या दे रखे हैं, 2648, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 4628, ठीक है, 4628, ठीक है। तो हम किसके साथ नंबर कंपेयर करेंगे, हमारा ये वाला नंबर बड़ा है, तो हम किसका साइन लगाएंगे, लेस देन का। तो हम इसे देख क्या करेंगे, 2648 लेस देन 4628, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना है कि एरो का पॉइंट अगर लेफ्ट साइड में है तो ये किसका साइन है, ग्रेटर देन का, और एरो का पॉइंट अगर राइट साइड में है, ठीक है, ये हमारा राइट हैंड की साइड में है, तो ये किसका साइन है, लेस देन का। और इक्वल का साइन तो हम जानते ही हैं, ठीक है। तो ये हमें साइन यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्मेट बाय यूजिंग द गिवन डिजिट वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको डिजिट्स दे रखी है, इनका यूज करके आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, ठीक है। आपने इसके पहले वाले तीनों के पार्ट में पढ़ा होगा कि डिजिट्स किसे कहते हैं, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो डिजिट्स क्या दे रखी है हमें, 3, 7, 4, 2, ठीक है, ये हमें डिजिट्स दे रखे हैं। अब ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट लेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी डिजिट क्या है इसमें, 7, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4, तो हमने 4 लिख दिया। उसके बाद क्या है, 3, तो हमने 3 लिख दिया। और सबसे छोटी डिजिट क्या है इसमें, 2, तो हमने 2 लिख दिया। तो हमारा नंबर क्या बना,
31, तो क्या बना हमारा 6531, ठीक है। और स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉल डिजिट क्या है, 1356, ठीक है। तो क्या नंबर बना हमारा 1356, ठीक है। ऐसे थर्ड देखेंगे हम, डिजिट क्या दे रखे हमें 6024, इसे अरेंज करेंगे हम 6420, ठीक है। तो नंबर क्या बना हमारा 6420, ठीक है। स्मॉलेस्ट नाम देखेंगे, अब स्मॉलेस्ट आपको ध्यान रखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा, जीरो है। पर अगर हम टू के आगे जीरो लिखेंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, टू के बाद जीरो लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे 2046, तो हमारा नंबर क्या बना 2046। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ में हमें क्या डिजिट दे रखी है, 7059, इसे अरेंज करेंगे हम 9750, तो नंबर क्या बना हमारा 9750। ऐसे हम स्मॉलेस्ट में देखेंगे, स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे हम, अभी मैंने आपको बताया कि जीरो आगे लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हम जीरो किसके पीछे लिखेंगे, 5 के पीछे, तो 5079, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना 5079, ठीक है। लास्ट देखेंगे हम फिफ्थ में क्या डिजिट दे रखी है, 8560, अरेंज करेंगे हम 8650, ग्रेटेस्ट नंबर क्या बना हमारा 8650। इधर हम स्मॉलेस्ट में अरेंज करेंगे इसे 5068, हमारा नंबर क्या बना स्मॉलेस्ट 5068, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, डिजिट से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना। क्वेश्चन नंबर फोर क्या दे रखा है आपको, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू देयर नियरेस्ट 10, ठीक है। यहाँ पर आपको नंबर्स दे रखे हैं, इसको आपको किस में राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 10 से, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं नियरेस्ट 10 से मतलब क्या होता है, राउंड ऑफ करना मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कोई भी नंबर दे रखा है, सपोज आपको दे रखा है 134, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबके बेस वैल्यू जानते हैं, ये क्या होता है वंस होता है, ये क्या होता है टेंस होता है, ये क्या होता है हंड्रेड होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, नियरेस्ट किसका करना है, टेंस का करना है, ठीक है। तो हम लास्ट वाला नंबर देखेंगे, ठीक है, टेंस और वंस वाला देखेंगे। तो आपको क्या, जो टेंस वाला नंबर है हमारा, इसको राउंड ऑफ करना है वंस से, ठीक है। ये वंस को आपको ध्यान रखना है कि इसके आगे जो डिजिट है उसके हिसाब से आपको इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास टू टेबल्स होती है, फर्स्ट में आपके पास क्या आता है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। वंस लिखे 5 करके, जितने भी नंबर वंस में आते हैं ये इसके पहले वाले में राउंड ऑफ होते हैं, पहले वाले टेंस में राउंड ऑफ होते हैं, ठीक है। और सेकंड में 6, 7, 8, 9, ये जितने भी नंबर्स आते हैं इसके आगे वाले इसमें राउंड ऑफ होते हैं, आगे वाले टेंस।
3620। ये क्या हो गया, इसका राउंड ऑफ हो गया नियरेस्ट टेंस में। थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड में हमारा क्या दे रखा है, 7489। इसका राउंड ऑफ क्या होगा, 7490। ठीक है, फोर्थ हमें दे रखा है 8567। इसका राउंड ऑफ क्या होगा, 8570। फिफ्थ हमें क्या दे रखा है, 9651। इसका राउंड ऑफ क्या होगा, 9650। ठीक है, इन दोनों टेबल से आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, हमने अभी किसके राउंड ऑफ करना सीखा, टेंस के। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, सर्कल ऑल ऑड नंबर्स एंड क्रॉस ऑल इवन नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑड नंबर पर सर्कल लगाना है और इवन नंबर को क्रॉस करना है। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं इवन नंबर किसे कहते हैं और ऑड नंबर किसे कहते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, और ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। ये हो गया हमारा इवन नंबर और ये हो गया हमारा ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर्स को कैसे पहचान सकते हैं हम, जिन नंबर्स में 2 का डिवाइड चला जाता है पूरा वो क्या होते हैं हमारे इवन नंबर्स, और जिन नंबर्स में नहीं जाता है वो क्या कहलाते हैं हमारे ऑड नंबर्स। ठीक है, इसका सपोज आपको ओरिजिन नंबर दे रखा है 24 दे रखा है, तो ये क्या हो गया हमारा इवन नंबर हो गया, क्योंकि ये 2 की टेबल से इसका पूरा डिवाइड चला जाएगा और आपको दे दिया 93। तो ये क्या हो गया हमारा ओड नंबर हो गया, क्योंकि 2 की टेबल से 93 में पूरा डिवाइड नहीं जा सकता, पॉइंट में आएगा, है ना। तो ये होगा हमारा इवन नंबर, ये होगा हमारा ओड नंबर। अब हम आएंगे हमारे क्वेश्चन पे। अब आपको क्या करना है, सर्कल यहाँ आपको नंबर्स दे रखे हैं टेबल में, आपको पहचानना है कि कौन से नंबर इवन है और कौन से ओड नंबर है। ठीक है, और ओड नंबर पे आपको सर्कल लगाना है और इवन नंबर को क्रॉस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओड नंबर देखेंगे। ओड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 101 103 105 107 109, और क्या होगा हमारा 111 130 150। लास्ट रूम में क्या होंगे हमारे 170 190। ये क्या होगा हमारे और नंबर्स हो गए। अब हम जो बच्चे हुए नंबर्स हैं उनमें से हमें इवन नंबर बताएंगे। ठीक है, इवन नंबर, तो ये क्या हो गया हमारा 102 104 108 110 112 114 116 118, और लास्ट के हमारा 120। ठीक है, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। हम यही कह सकते ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना, इवन ऑड नंबर्स, डिस्टेंस, राउंड ऑफ करना, और हमने क्या सीखा, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर पास कंप्लीट होता है। पीडीएफ आ गई होगी आपके पास ग्रुप में, तो आप घर पर रिवाइज कीजिए। ठीक है।